धर्म, समुदाय और जाति के नाम पर वोट मांगने वालों की इस बार दाल नहीं गलेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद चुनावी मौसम में सियासी दलों को फूंक फूंक कर हर कदम रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, धर्म के नाम पर नहीं चलेगा वोट बैंक। जाति पर वोट मांगने वालों को भी झटका। धर्म की आड़ में वोट मांगने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हिंदुत्व केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला देते हुए कहा कि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता है। हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष है और इसकी प्रकृति को बनाए रखना चाहिए। उम्मीदवार या एजेंट धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवार न केवल अपना बल्कि अपने विरोधी उम्मीदवार के धर्म, भाषा, समुदाय और जाति का इस्तेमाल भी चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं कर सकता है। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो ये जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि किसी शख्स और भगवान के बीच रिश्ता व्यक्तिगत मामला है। इस रिश्ते में राज्यों को हस्तक्षेप की इजाजत नहीं है। सियासी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। देखिए, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा हुआ है और हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम इस बात को भली बात ही समझते हैं और जो कानून है उसका अनुपालन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो पहले से भी हमारे संविधान में है, हम उसका आदर और सम्मान करते हैं। एज ए सीनियर पॉलिटिशियन आई फुल्ली एग्रीड एंड सपोर्ट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट शुड बी इम्प्लाइड एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। हम आज बहुत खुश हैं कि उन सारे लोगों की कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं जो कि मुल्क को एक सेक्युलर फैब्रिक्स में देखना चाहते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी आए, कोई जाए, लेकिन मुल्क का जो ढांचा, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 राज्यों में जल्द विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का चुनाव पर भी काफी असर पड़ेगा। चुनाव घोषणा पत्र तैयार करते वक्त सियासी दलों को बेहद सावधानी बरतनी पड़ेगी। राजनीतिक दल अब घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा नहीं कर पाएंगे जिससे किसी धर्म जाति के लोगों को फायदा हो। चुनाव प्रचार के दौरान भी नेताओं को बेहद सावधानी बरतनी पड़ेगी। रैली या जनसभा में नेता ऐसा कोई बयान नहीं दे पाएंगे जिससे किसी धर्म या जाति के लोगों को फायदा हो। अगर कोई नेता या उम्मीदवार धर्म या जाति को खुश करने वाला बयान देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बहरहाल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब उन सियासी दलों की दुकान पर ताला लग सकता है जो धर्म, जाति, भाषा और समुदाय की सियासत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।